तेजस्वी प्रकाश इधर देखिए मैडम सामने रखिए Namaste and thank you to all the members of the media who have joined us this evening. On behalf of the L'Oréal Paris family, I thank you for being here. It's an important event because it talks about a very important issue about street harassment against women, but I think it holds true for both genders. And what's important is that people feel safe and protected. L'Oréal Paris is working with Right to Be, an NGO that is looking to end harassment of all forms. And they have the stand-up program against street harassment. And join us at the event to know more about it. Thank you for being here. God bless. जन्नत जी इधर जन्नत जी बाइक
I think this is a great initiative and I'm so happy to be here. And I think ये सारे initiatives की और L'Oreal के through ये initiative arrange हुआ है और हम यहाँ पर आए हैं. I think it's just so overwhelming. I think हमें ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और awareness फैलेगी और जो भी इन सब चीज़ों का शिकार हुए हैं, जो लोग हेल्प हुए हैं, I think उनको motivation मिलेगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है तो हमें डरना नहीं है, हमें फाइट बैक करना है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना है. सो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ L'Oreal फॉर टेकिंग दिस अमेजिंग इनिशिएटिव एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर टुनाइट. थैंक यू. तो कुछ आपके डिजाइनर के बारे में बताइए, कौन से डिजाइनर से आपने ड्रेस ली है? एकदम ऑनेस्टली बताओ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि डिज़ाइनर का नाम क्या है, बट आई फील very confident and very very nice wearing this, and thanks to the amazing styling team that I had, my entire team, a big big thanks to them, because it really really takes a village. It's not it's just not very easy to get ready and be somewhere. So yeah, thank you so much. Lot of fans waiting for your project, upcoming project. Kuch agar aap bata sake, song aa rahe hai ya humne suna hai ki aap film mein film kar rahi hai, kuch agar aap bata sake to. तो जैसे ही कुछ भी ऑफिशियल होगा वो मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑफिशियल तरह से अनाउंस करके आप लोगों को बताऊंगी और बिल्कुल आप लोगों को पता चलेगा. बट तब तक के लिए प्लीज़ वेट करिए. एंड आई थिंक शूट चल रहा है फिल्म का, कुछ भी ऑफिशियल होगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को तो बिल्कुल बताने के पहले ही पता चल जाता है. जैसे अभी जो आप बोल रहे हैं इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट आपको पता है. लेकिन जैसे ही कुछ भी होगा तो आपको बिल्कुल पता चल. थैंक यू. मैं आवाज़ दूँगा, पसंद हुआ तो बोलना, हाँ पे आवाज़ दूंगा. क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई इधर, अरे ये वायर आ रहा है भाई, मेरे को वायर मिल रही है. मैम 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 नहीं किया. सारी की बोलेंगे उनको, सारी
मैम यहाँ सेंटर में देखिए, मैम सेंटर में देखिए, मैडम यहाँ सामने सामने, थैंक यू मैम सेंटर, मैम सेंटर, या 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 ऑलराइट, हेलो हेलो, पूछो सर I think it's very important for us to be here and stand up against street bullying. Or the turnout is amazing, and I think the message is very very strong. So I'm very proud to be here. समीरा जी, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया है, वन थर्ड रिजर्वेशन भी है। I can't hear you. I'm so sorry. वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस स्टैंड अप और जो है क्या कहेंगे उसके बारे में? यही कहेंगे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कैंपेन है जो काफ़ी सालों से लोरियल सपोर्ट कर रहा है, और आई थिंक औरतों को लेके काफ़ी काफ़ी ऐसी पॉलिसीज आ रही है, काफ़ी ऐसी अवेयरनेस आ रही है जो जिसकी बहुत ज़रूरत है हम सब। सो वेरी प्राउड ऑफ लोरियल फॉर डूइंग दिस एंड सपोर्टिंग इट विद ऑल माय हार्ट। मैं इसीलिए मौजूद थी क्योंकि मैं बिल्कुल इस डिसीजन को लेकर, इस बिल को, बिल के पास होने को लेकर बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ, बहुत खुश हूँ कि काफ़ी सालों बाद सही, लेकिन हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे औरतों के पास बहुत पावर पोजीशंस होंगी, जहाँ पे वो सच में सोसाइटी में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे हमें रिप्रेजेंट कर सकती हैं सही तरीके से। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी और उनकी पूरी टीम को कि ऐसा कुछ हुआ, एंड मच मोर पावर टू ऑल द वीमेन आउट देयर, एंड मे वी गेट मोर, मे वी गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। थैंक यू। राइट में
पूरा हाथ में सुपर ली पूरा मैं ही करूंगा सबसे पहले आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे जो लॉरियल ने उठाया है? बहुत ही ज़रूरी है. आई थिंक ये जितना बोला जाए उतना कम है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज. बहुत सारे आजकल सिग्नल्स हो गए हैं, साइंस हो गए हैं अगेंस्ट हैरेसमेंट. अगर आपको सेफ फील नहीं कर रहा है, अगर आप किसी को इशारा देना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, देर आर लॉट ऑफ साइन लैंग्वेजेस दैट कैन हेल्प यू. सो येस, यू डू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट एंड हैरेसमेंट इन जनरल एक्चुअली. सो kudos to L'Oreal for doing that and I'm very excited to be here. Thank you. Gaur ji, recently Women Reservation Bill pass hua hai, uske baare mein kya kahenge aap? Kitna acha hai Women's Bill? Mujhe is bill ke baare mein zyada jankari hai nahi, lekin I think women don't really need reservation. I think women should have equal rights just as men do, whether it is in the parliament or anywhere else. And jab aap kisi campaign ke liye khade hote hain politically ya anything in life, I don't think women as per need reservation. And I think aisa mahol banana chahiye jahan par auraton ko reservation ki zarurat na pade balki equal hissa mile har cheez. Thank you. अभी तक नहीं लग रहा था. ये आपसे लेके सामने सामने यहाँ पे यहाँ पे सेंटर सेंटर दादा लाइट भी जाओ देख लो. फोटो मारेंगे तो देते भी थे क्या? अरे मैं दे रहा हूँ दादा यार, मेरे को दस गेट से लाइट चालू है भाई. अरे मना क्या कर रहे? क्या कहता है? नहीं, 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 न
मैम आज के इवेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए, स्टैंड अप स्ट्रीट हैरेसमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? Well, I think it's such an amazing concept, and congratulations to L'Oréal for putting together such an amazing event. Not every day do we have an event of this particular topic in Bombay, so thank you so much, and can't wait to go inside. I think we're very late. I think it's an amazing initiative, and big ups to L'Oréal for celebrating the security and safety of women in our country today. So very happy to be here. Well, I think I have styled Sukriti and Sukriti has styled me. So we'll just give ourselves the credit today. And we're both wearing black, so I think we're on point and always on brand. Winning, yeah. Thank you so much. अरे तू आगे खड़े रहने मैम एक बार यहाँ पे सामने सेंटर में बस 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 यहाँ पे सामने देखिए मंदिरा जी मंदिरा जी सेंटर में आइए फातिमा पासिंग रे ये रुको 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 मेरे को जगह दो भाई लोग आप काम कर रहे हो क्या फातिमा जी आपके सामने आइए सर सामने भी फातिमा बहन फातिमा रुको रुको मैडम मैडम रुको मैं यहीं स्लाइड भी नहीं है क्या करें स्लाइड मारने ये थोड़ी तेरी दागा दे ना ये भाई अरे थोड़ी तेरी दे
ये हो गया तो बताओ। एक मिनट मोबाइल जरा बाकी जरा मोबाइल अरे दोन मिनट मैडम अरे फ्लैश मध्ये कवर होतोय जरा मोबाइल का ना भाई एक मिनट मैडम फोकस चलो आओ ब्रेक हाँ बस अरे लाइट क्यों चेंज कर रहे हो बार बार लाइट अलग अलग मार रहा है अरे हम मोबाइल वाला कौन है भाई अरे फोटो आपने के लिए जगह रखो यार तो मैं जा रहा हूँ सेंटर इधर अलग टोन मिल रहा है लाइट अलग दी है बोल रहा हूँ यहाँ पे सामने सेंटर काम कर माला तो त्रास होते सारा अंगार होते मोबाइल नी पण सेंटर एक बार यहाँ पे सामने आ गए अदिति सेंटर आइए सर इधर आइए इधर इधर आगे सेंटर में सेंटर गुरु सामने आइए ना गुरु बस इधर आइए और इधर आइए सेंटर बोतो क्यों सेंटर गुरु इधर आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनफैक्ट मैं और दीपिका यही बात कर रहे थे हमारे पास हमारी दो बेटियाँ हैं
तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट बहुत ही बिना के कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे साथ डिस्कस करी थे, मुझे सिखाई थी। Stop it. I do not know the exact thing. You try and document. So this is a very nice way of मतलब होता है, पर हम सबको हमेशा से लगता था कि सड़क पे निकलोगे तो थोड़ा सा हरासमेंट होगा। ये एक कंप्लेसेंट आइडिया और एक एटीट्यूड होता है, बट इस कंप्लेसेंट से हटाना जरूरी है, सिर्फ डरने के लिए नहीं। And intervene and you know help the situation. So I think it's a great initiative. It's a great, great initiative. Women's reservation bill bhi pass ho gaya hai, to kya kehenge iske bare mein? Kya bol rahe hain? Women's reservation bill. Oh, acha. Acha, iske bare mein mujhe turant idea nahi hai. Kya hai kya wo? Women reservation bill. One third women jo hai mil sakti hai Lok Sabha aur Rajya Sabha mein. Arey lovely. बहुत ही अच्छा। फिर तो एब्सोल्युटली इट इज़ अमेजिंग, बिकॉज आई मीन एज लॉन्ग एज यू नो विमेन एंड मेन डू नॉट कम इन द सेम प्लेटफॉर्म, मतलब एक इक्वल जगह दोनों को नहीं दिया जाए, आई थिंक जो पावर है एक औरतों के अंदर टू जो ऑलरेडी है, तो उसको यू नो इम्प्लाई करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए। तो व्हेन देयर इज़ रिजर्वेशन एंड आई एम लाइक ग्लैड दैट इट इज़ हैपनिंग विद स्पेशली आई मीन आई वाज ऑलवेज बिलीविंग इन दिस स्पेशली आफ्टर हैविंग टू डॉटर्स। अब तो ऐसा लग रहा है आई मीन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू झंडे लेके निकल पड़े हैं हमेशा से। एक्चुअली हम लोग थे भी ऐसे, मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो बेटियाँ होने के बाद ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए औरतों के लिए जो भी हो अच्छा हो और हमेशा होता रहे अच्छा। थैंक यू गाइस। हेलो भाई, सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट जो है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? लॉरियल के मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि आई थिंक हर जगह दुनिया में इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू फील सेफ, स्पेशली अगर वो आपकी सिटी हो तो सेफ फील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने खुद ये फेस किया है बाहर, जब लोग कैट कॉल करते हैं, एंड इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट।
रिजर्वेशन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया है, 1/3 रिजर्वेशन मिल गया है हमारे हाउसेज में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कंग्रेचुलेशन। सॉरी मुझे क्वेश्चन तो नहीं दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है उसके बारे में क्या कहना है आपको? ओ आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड ऐसी ही चीज़ें आगे बढ़ती रही तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट टाइम फॉर वुमेन इन इंडिया, सो आई एम रियली ग्लैड। अरे पूरा केबल आ रहा है, केबल तो निकाल दिए सर। चलो भाई अरे केबल कोई पूछ रहा है कुछ? सर सबसे पहले क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट? आई थिंक इट्स अ जिसको पहले दिया उसको आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय लॉरियल एंड सी द फैक्ट दैट एम्पावरिंग द बाईस्टैंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट because we mostly hear that you know how difficult it is to help someone, those stories we hear, but we do not hear the stories of empowerment. I think the fact that how the empowerment like a brand L'Oreal has been able to you know help people in terms of helping others, if they see something how can they practically find solution, what are the first steps they have to take? I think this campaign is very very important campaign which teaches you how to help someone when you see street harassment, and it's not only limited to the metros. I think you should reach out to the larger audience, and I hope this will be covered by everyone in terms of a great initiative. रिसेंटली सी बी एफ सी बोर्ड पे सेंटर देखिए, सेंटर, थैंक यू, मैम